निकली आया कर के हमेशा घर में ही पड़ी रहती है, सुनेगी थोड़ी। कान इसने ऊपर चौथे आसमान पे चढ़ा रखे, नहीं आ रही निकल के। हाँ दीदी, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी, नहीं एक काम कर, तू भैंसों को नीचे से जरा साफ करिया ले। दीदी मैं भी थक रही हूँ, मेरे बस की नहीं है जाना। अरे आज आज करिया बस। दीदी नहीं होगा, मैं रोज करती हूँ तो एक दिन भी नहीं कर सकती? तो दीदी गोबर में बदबू आती है, मेरे मुझसे होगा नहीं। तो फिर ऐसी जगह शादी क्यों कराई थी जब गोबर में, तुझे नहीं पता है भैया हमारे यहाँ तो भैंसों का काम है। अब अच्छा मिला ही नहीं तो क्या करती, गोबर वाले को भी ना आती। अच्छा तो अब कर ले जाके जा दूसरी जगह, दांत मत बाड़े, कान पर मारूंगी खींच के। हंसी मजाक बहुत करती है, ले पकड़ जा, करिया जा। दीदी आज ही जाऊंगी, फिर नहीं जाऊंगी। चल ठीक है कोई बात नहीं, आज ही जाओ। सुन पल्ला वल्ला करके जाइयो, ठीक है? अब पल्ला भी करो, चला तो जाता नहीं है पल्ला करके। मेरी बात सुन, पल्ला करके जाइयो वरना पता भी हो गांव के लोग क्या कहेंगे। हाँ चचोरी तो करती है, उसकी जो देवरानी है इतना घूंघट उगार के जाती है। दीदी इतना कर लो। हाँ इतना ठीक है, और सुन जल्दी करके आ जाइयो, मैं जब तक खाना बना ले रही हूँ अंदर किचन में। खाना बना लोगे आप? हाँ, मैं बना। ठीक है दीदी, आप बर्तन वगैरह फिर छोड़ देना, मैं कर लूंगी। अरे कितनी अच्छी है, हे भगवान, मैंने कोई कोई पुण्य करे होंगे जो जब ही मुझे ऐसी देवरानी मिली है जीवती रहे। तुझे पता औलाद मैंने इसी चक्कर में ना करी। अच्छा? क्योंकि तू है तो मेरी औलाद के जैसी। हाँ, सही कह रही है। बस चल ठीक है, जा। ठीक है दीदी, आ रही हूँ मैं। हाँ जल्दी आना है। थोड़ा देखो आएगी भाई, लंबे घूंघट वाली बहू मालूम लग रही है, चाल कैसे चल रही है। चलती है थोड़ा। ऐसे क्या देख रहे हो? थोड़ा किन की बहू है? मैं? हाँ तुम कौन हो, किस क्या काम है ये बताओ। काम तो भाई बहुत कछु है, बताओ तो सही। चिलुआ की बहू हूँ मैं। चिलुआ की बहू है? हाँ। चिलुआ का ऐसी है वो लड़वाजी में, इतनी मालूम बहू कहाँ से मिल गई? अब मिल गए, नसीब की बात है। कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं गोबर वोबर डालने। तुम्हारा गोबर हम डाल देंगे। हमारा गोबर ना हो, भैंस को गोबर होता है। हाँ भैंस को डाल भी डाले का। हाँ हम डाले आएंगे। तो पहले डाले जाते तो हमें आना ही ना पड़ता। अच्छा ना मुँह दिखाओ। ए है? कैसी बातें कर रहे हो, मुँह दिखा दो। मुँह दिखा दो, गोबर हम डाले आएंगे, जा दे दो। कहा हमें दे दो, हम ना दे पाएंगे तो मैं कछु हम खुद डाले आएंगे। गोबर हम डाले आएंगे। अच्छा मुँह दिखा दो। हम ना दिखा रहे तो मैं मोफ हूँ, हम अपने आप डालेंगे अपना गोबर। तुम जाओ अपना काम करो यहाँ से। ए समझ में ना आ रही, वो तो हाथ पकड़ रहा हूँ मुँह से जुबान से कह के। ए हम जाते रहे जाते। कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रही हो? राम राम राम। कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से आ रहे हैं, और कहाँ से आएंगे? पूछ रहा था मैं तो। देखो अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम नहीं आई हो या काम में। नहीं क्यों आई हूँ, चिलुआ की बहू हूँ मैं। अरे चिलुआ की बहू हो तुम? हाँ जब ही तो घूंघट पर रहो, जाए मारे लंबो लो, घूंघट उगा के चले करो ना। हमें दी गया कि हाँ चिलुआ की बहू हो तुम। क्यों सब दिखाना जरूरी है? दिखावा जरूरी है। ना ना हमारे यहाँ दिखाते हैं। अब यही तो हमारी शादी ना हुई, कहाँ करे बिना होगी भी ना। तो ना होगी मई साल, क्योंकि तुम्हारी शकल ही ऐसी है। ये वाली बात ना, शकल तो सुंदर है हमारी। सही बताओ। अरे देखो मूंछ देखो भाई, लंबा लंबा मूंछ। और तुझे कहाँ कहाँ डाल ले जा रही हो? गोबर डालने जा रहे हैं। ऐसा करो। कैसा? देखो मुँह दिखा दो तुम हमें। ऐसा है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। बात समझा करो, देखो गोबर हम डालेंगे तुम्हारा। अच्छा हम डरवाएंगे ला हमें दो। ना ना हम डाल लेंगे अपना गोबर। देखो देव तो सही। ना ना देखो मुँह दिखा दो उन्हें। जा रहे नहीं जा रहे यहाँ से? तुम तो गर्म है, दिखा दो ना। क्या दिखा दो? कभी अपनी माँ बहन का मुंह नहीं देखा तुमने? अरे माँ बहन कहाँ पे आ गई यहाँ पे खामे खांगे? अब मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ। अच्छा कोई तरीका है तुम्हारा बात करने का? और देखो तुम बाय मुंह दिखा दे दूंगी चिलुआ है। वो तो मेरा हस्बैंड है, मुंह दिखाओ जा कुछ भी दिखाओ। वो तो हंस कोई बहन है वो मालूम है, वो दीन का ना दोस्त का। और हमें देखो जवानी बनना है तुम्हारी जवानी तो। ए जा तो रहा जहाँ जा 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 रहो। बता मैं तो बड़ी परेशान हूँ। समझा क्या समझाओ? कैसे गर्म गर्म सी होती हुई आ रही हो? गर्म सी? हाँ? तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मुझे जानते हो। अरे जान पहचान तो बन जाएगी, एक बार जान पहचान बना के तो देखो। हाँ ऐसा है, पहले तो ढंग से बात करो। ढंग से बात तो मैं ढंग से तो कर रहा हूँ। अच्छा वैसे इस घर में आपको पहली बार देखा है, आप हो कौन? देखोगे कहाँ से जब पहली बार ही निकली हुई? तो हो कौन? किसी के घर में तो रहती होगी, किसी की बहू तो होगी, किसी की बेटी तो होगी, कोई तो होगी तो इस गाँव की।
मैं सोनिया के छोटे देवर की बहू हूँ, चिलुआ की। बोनेटा जैसी बेवकूफी बातें कर रहे हो, तमीज से बोलो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, वो मेरे साथ बचपन में कंचे खेलता था, उसकी नाक निकल आती तो उसका नाम रहटा रख दिया हमने, चिलुआ रहटा। ऐसा है, अभी प्रेजेंट में उनका नाम चिल्लू है, वही बोलो। रहटा रूटा तो अपने आप बोला करो अपने मन में। एक बात तो है, वो तो किसी दिन का नहीं है, तुम तो ऐसी लग रही हो एकदम लप। ऐसा है, पहले तो होशो हवास से बोलो, बोलने का तो तमीज नहीं है, गांव वाले कितने बेवकूफ हैं क्या? देखो जी देखो, फिर तुम बेकार की बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, वो भी अपने मन से। मुझे ऐसी तारीफ नहीं चाहिए। वो तारीफ नहीं चाहिए, वैसे घूंघट तो दिखाओ। कैसी बेवकूफी बातें कर रहे हो, घूंघट तो दिखाओ। हमारे यहाँ बहुआ घूंघट नहीं उखाड़ती। तो कौन सा मैं कौन सा चीट लग रहा हूँ इस गांव का, मैं तो देवर हूँ, तुम तो मेरी भाभी की रिश्ते में हो, अगर तुम दिखा दोगी तो मेरा ही मन रह जाएगा, तुम भी खुश हो जाओ। हमें तुम्हारा मन रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया नहीं? वैसे इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, मैं करवा दूँ संग में काम। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अरे नहीं, तुम पतली दुबली हो, देखो कहीं चक्कर पक्कर खा के गिर पड़ी तो हमें बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा, अगर गिरूंगी तो मैं गिरूंगी ना, तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? मैं चल रहा हूँ, मैं तुम्हारा संग में, जो तुम्हारा काम हो वो काम करवा दूँ। मैं नहीं करवा सकती आपसे काम, ओके? जाओ जाओ, मन तो नहीं है जाने का। अभी मन कर जाएगा, बेवकूफ नहीं का, चुपका ही जा रहा है, मना कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ना ना, मैं जा रहा हूँ। प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही, कवारों के घूस कहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से बेवकूफ मिल जाते हैं, सब बेवकूफ पना फैला के रखा पूरा। दीदी, ओ दीदी। अरे क्यों, मैं तो तुम्हारे गाँव वाले से अटका गई। ये लो अपना तसला, मेरे बाप के बस की नहीं है गोबर वोबर डालना। क्या हो गया आया तुम्हें? क्या हो गया, क्या नहीं हो गया ये पूछो। तो तू गोबर डाल के नहीं आई? गोबर मैं नहीं डाल के आई, रास्ते में तीन लफंगे मिल गए मुझे, तो एक चोर दो चोर तीन लफंगे मिल गए, हद कर रखी है। एक कह रहा घूंघट दिखा दो, एक कह रहा मुंह दिखा दो, कोई कुछ बदतमीजों की तरफ बातें करते हैं। इसीलिए मेरे बस की नहीं है यहाँ झेलना। अच्छा तू एक काम कर, समय घर पे काम कर लूंगी दीदी, बाहर मेरे बस की नहीं है जाना। चल ठीक है, तू अंदर जा, मैं बताऊंगी। ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ रड़ुआ बड़ुओं को, मैं दिलवाऊंगी इनको लुगाई। जय राम जी की। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। वैसे भगवान, मैं हाँ? इंसान ही हूँ। नहीं वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ऐसी लग रही है। अच्छा, आपको क्या काम पड़ा लाला जी? हाँ, जो तुम करवाना चाहो वही काम कर देंगे। वैसे कौन हो? घूंघट उठा दोगी तो आराम रहेगा। बड़े झटके मार रहा है ये तो भाई। ऐसी मारता हूँ मैं झटके। कुछ नहीं। अरे तो हो जाने दो। अच्छा मैं जाऊँ क्या? बहू किसकी हो आप? मैं उसकी हूँ, वो उनका नाम विजय है ना, लप्पू। हाँ लप्पू, जो मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी का नाम है लप्पू। हे राम, क्या दे दिया इतना चांद सा टुकड़ा और उस गले के हाथ में। क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है, चेहरा तो दिखा दो। अच्छा तो चेहरा देखना। बिल्कुल। अच्छा अभी दिखाऊं या थोड़ी देर में? अभी दिखा दो। हाँ वाह, क्या खूबसूरती है, और इस पे इतने नाखंदा मुंह। नाखंदा नाखंदा नहीं, गुस्से का। क्यों रे, ये बता, तू तुझे मुंह देखने का बड़ा शौक है ना? देखना चाहते हैं हम तो। अच्छा, और कौन की बहू है तुम? जो वो लप्पू है ना। लप्पू? हाँ। अरे क्यों, अटैक पड़ जाता मुझे अभी। अच्छा बा, तो मरे तो हो नहीं अभी? बस यही तो रह गया, मरा ही तो नहीं हूँ मैं। तो मर जाओ। तो कैसी कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम ही तो कह रहे हो कि अटैक नहीं पड़ा मुझे। देखो एक बात बताऊं, उस ऐसे छछुंदर के हाथ में तुम पड़ गई, और हमें देखो मुझे क्या दिखा रहे हो? बॉडी, जो बॉडी है वो। ये पिलपिले से आम की बॉडी है। कैसी कैसी बातें कर रही है, पिलपिले से आम की बॉडी। आम होता है। देखो बॉडी देखो मेरी। अरे कोई खास नहीं है, मेरे पति से अच्छी बॉडी नहीं है। अरे तुम्हारा पति का चुना बात तो एक हाथ में गिरा दूंगा। अच्छा, घास कुच्चा है वो, अल्लाह बिल्कुल घास कुच्चा। अच्छा हां हां, हमें मूंछ देखो,
ये देखो ठीक है, लंबी लंबी है। हाँ ऐसी लग रही है जैसे किसी से उधार चार बार। उधार ना, तेल लगा लगाएगा बड़ी गर्मी है। कैसी बात करते हैं। हाँ, तो मैं कहूँ सारा तेल इन्हीं में खर्च हो रहा है। जाए तेल खर्च हो रहा है। घूंघट उठा के दिखा देना। अच्छा घूंघट देखना है। आज मजे आया। सीधे सीधे कह देते वो तो मैं तुम्हें पहले ही दिखा देती। क्या बात, इतनी घुमा फिरा के बात मानने की क्या जरूरत है। मैं चेहरा देखना चाहता हूँ तुम्हारा, क्योंकि चेहरा तुम्हारा चांस है। अच्छा अच्छा दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। वाह क्या बात है, ये है चांद, ये बढ़िया था। और अभी एक और चांद दिखेगा। कौन सा? अभी मैं बताऊंगी कौन सा दिखेगा। चांद क्यों रे, हमारे दुनिया भर के रड़ुए बढ़ुए पूरे इस गांव में मरने के लिए आए थे। आज के बाद अगर कोई भी औरत छेड़ी ना और आज मेरी मरो। नमस्ते। नमस्ते। अरे बड़ी धीरे बोल रही हो। सब काम धीरे ही करती हूँ मैं। अच्छा कहाँ आ रही हो, जा लेते हैं गोबर डालने। गोबर डालने? आगे क्या देख रहे हो? ना साड़ी सही लग रही है, देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं भाई ऐसी साड़ी। अच्छा साड़ी पहली बार देख रहे हो या साड़ी वाली को देख रहे हो? ना ना ना, दोनों ही चीज है। अच्छा दोनों ही चीज है। तुम्हारी आदमी पादमी ना? हाँ हाँ। किन की बहू हो तुम? जो लप्पू जो है। लप्पू? अरे लप्पू किया लपका की तमीज सलाम लो। अरे वो हाँ यार, वो मानो कातर हो, देखो हमें देखो तुम का एकदम ठोस माल मिले। अच्छा हाँ। फप्पस तो नहीं हो अंदर से? देखो हाँ फप्पस तो नहीं हो अंदर से? हाँ टक्कर मार के देख लियो का। अच्छा हाँ किससे, गाड़ी से? अरे बात है। कौन थे भाई लपका पे? अच्छा हाँ कौन पे निकल जा। अच्छा कह रहो नहीं, शकल तो दिखा दो। क्यों शकल देख, शकल देखने पे मतलब क्या तुम मेरे वो लगते हो जो मैं तुम्हें अपनी शकल दिखाऊं? ना देख रो। चलो जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं दिखा देती हूं। हां दिखा दो, पर एक बात ध्यान रखना। हां कि शकल देखने में देखो तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान और फायदा भी हो सकता है। नुकसान फायदा करवाओ। फायदा करवाऊं? हां तो फिर घूंघट उठा दूं? उठवाओ उठवाओ, मतलब जैसे भी उठा लिया। घूंघट उठवाओ नो कह रहे। चलो अपने हाथों से उठा दो। है? अपने हाथों से उठा दो। अरे तुम ही उठा लो। अरे तुम ही उठा दो। लप्पे लप्पू ना बहुत कतई लप्पू बात देख रहे हैं एकदम कत। हाँ हाय दैया, इतना लंबा चौड़ा डंडा ये डंडा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास भी डंडा हो सकता है। अच्छा जरा दिखा सकते हो, मैं देखूं, क्योंकि मुझे भी अपनी भैंस के लिए ऐसा ही डंडा लेके। तो मैं लाके दे दूंगा तुम्हें। तो मेरी भैंस को है। अरे मैं हाथ में लेके देख रही हूँ ना, दूसरा डंडा ले आऊंगा तुम्हारे लिए। ना मुझे ये डंडा पसंद है। यही लोग? हाँ लोग जाने जा तू, क्योंकि तुम्हारे डंडे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। देख लो। हाँ हर एक बात पर हो भैंसिया पे दोबारा दिखेगी ना घेर में। तो मुझे दिखाओ तो सही। वाह कितना अच्छा डंडा है, इसे तुम पकड़ो। लाओ इसे हमें दो, मैं इसे इस्तेमाल करके देखूंगी। लेकिन इस्तेमाल करूंगी इसे। भैंस पे? नहीं नहीं फिर? नहीं मैं जहाँ चाहे इस्तेमाल करूँ इसे। तो कहाँ इस्तेमाल करोगी? वही तो बताऊंगी मैं। अच्छा। वैसे आपका डंडा बहुत अच्छा है। मंगवाया हूँ मैंने राजस्थान से। राजस्थान से? तभी मैं कहूँ कि इतना मोटा चिकना डंडा। हाँ? इस पे क्या इस्तेमाल करते हो? ये भैंस के लिए है। अच्छा अब भैंस को बजाते हो ना, पट पट आवाज आती है। हाँ एक बार डंडा मार दो तो घेर में दिखे ना। अच्छा सीधी खेत में जाओ। अगर ये इंसान पर पड़ जाए तो? नहीं पड़ जाए बाई चांस तो क्या होता है? पड़ जाए तो इंसान ही बता देगा क्या हो। अच्छा तो ठीक है एक काम करती हूँ मैं। हाँ। थोड़ा इस्तेमाल ही कर लेती हूँ। इंसान ही बताएगा ना अभी? इंसान ही बताया ना। ये बता मुंह देखने का भूसा होगा तुझे? मुंह देखेगा? ना 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 नीचे मुंह।